पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ ना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एमएलसी रामलली मिश्रा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। सीजीएम की अदालत ने रामलली मिश्रा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। बाबोली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी है रामलली। रामलली मिश्रा सोनभद्र मिर्जापुर से एमएलसी हैं। रिश्तेदार ने एमएलए के परिवार पर दर्ज कराया था केस। एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है रामलली मिश्रा के खिलाफ और रिश्तेदार ने एमएलए के खिलाफ केस दर्ज कराया था और इसी के बाद रामलली मिश्रा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी है रामलली मिश्रा और विजय मिश्रा के खिलाफ विजय मिश्रा के रिश्तेदार ने ही केस दर्ज कराया था। मिथिलेश द्विवेदी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, एमएलसी रामलली मिश्रा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है, सीजीएम की अदालत ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है, इसके बारे में तमाम जानकारियां जो आपके पास हैं जानना चाहेंगे। जी हिना, भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से लगातार चार बार से विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ पिछले दिनों गोपीगंज थाने में उन्हीं के रिश्तेदार ने घर कब्जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में विधायक को मध्य प्रदेश के आगर से पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें चित्रकूट जेल में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। एमएलसी रामलली मिश्रा पिछले कई दिनों से मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं, जिसके मद्देनजर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दरअसल देखा जाए तो पिछले दिनों विधायक विजय मिश्रा ने पूर्वांचल के कुछ माफियाओं पर आरोप लगाया था कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, जबकि उन्हीं के रिश्तेदार ने उनके खिलाफ घर कब्जाने का एक मुकदमा दायर कराया, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि रामलली मिश्रा के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। जी हिना, ये गैर जमानती वारंट जो रामलली मिश्रा के खिलाफ जारी किया गया है, ये किस मामले में जारी किया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? रामलली मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा और विधायक विजय मिश्रा, इन पर पिछले दिनों इन्हीं के रिश्तेदार ने घर कब्जाने, धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें एक धारा 449 थी, जिसमें 10 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है और इसी मामले में विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि रामलली मिश्रा फरार चल रही हैं और इनके बेटे विष्णु मिश्रा की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा के रखी है। जी हिना, तो क्या रामलली मिश्रा की अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है, कहां है वो, क्या उनके बेटे ने इसके बारे में कोई जानकारी दी है? हिना, पूरा मामला यह है कि विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के आगर में जिस दिन हुई थी, उसके 3 घंटे पहले ये खबर आई थी और मीडिया जगत से लेकर के पुलिस तक भी पहुंची थी, जिसमें ये था कि रामलली मिश्र अचानक लापता हो गई थी और उनके गनर ने आके ये सूचना दी थी कि एमएलसी रामलली मिश्रा इलाहाबाद प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके से लापता हो गई हैं, जबकि उनके गनर ने मिर्जापुर में अपनी आमद दर्ज कराते हुए लापरवाही की सूचना मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक को दी थी। साथ ही सिविल लाइन इलाके में इस मामले में गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अगर पूरे मामले को देखा जाए तो ये जिस पर लली मिश्रा गैर जमानती वारंट किया है कोर्ट, ये मामला उन्हीं के रिश्तेदार द्वारा दर्ज कराया गया घर जाने धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमे से जुड़ा है। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एमएलसी
रामनरी मिश्रा के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और इसके लिए अब रामनरी मिश्रा की तलाश की जा रही है, जो गुमशुदा हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी गई है।